नमस्कार। आप जब डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी मेडिकेशंस वो हमें देते हैं उसके पर्चे पर उनका नाम, उनका क्लिनिक का एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर सब कुछ गिवन होता है। नीचे वो साइन करते हैं RX। अगर वो आपको ऑनलाइन भी मेडिकेशन बता रहे हैं तो इसी तरह का कुछ प्रिंटेड पर्चा होता है जिसमें उनके बारे में डिटेल्स मेंशन होती हैं, या फिर वो अपने नंबर से आपको व्हाट्सअप करके एग्जैक्ट स्पेलिंग्स वगैरह सेंड करते हैं। अगर आप किसी ऑथेंटिक डाइटिशियन के पास जाते हैं, जैसे कि अगर आप द बेसिक मील्स आएंगे, तो हम भी आपको अपने लेटर हेड पे डाइट प्लान देंगे जिसमें हमारी कंपनी का लाइसेंस नंबर, हमारा नाम, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारे कॉन्टैक्ट एड्रेसेस, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ गिवन होगा। इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि हम डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस जो ऑथेंटिक नॉलेज रखते हैं, हम इस बात का दायित्व लेते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन हमने दी है और इससे आपको फ़ायदा होगा। एक जिम ट्रेनर या कोई रैंडम पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो दवाई की दुकान में बैठ के दवाइयाँ बेच रहा है, या आपका नेबर या आपके शायद मौसा जी या कोई भी, अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो क्या वो इस बात का दायित्व लेते हैं? क्या वो इस बात का कोई प्रेशर लेते हैं कि अगर इस चीज़ को खाने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। कल को आपको अगर कुछ भी हो जाता है इन सब चीज़ों को खाने की वजह से, वो जिम ट्रेनर, वो नेबर, वो मेडिसिन शॉप का पर्सन हाथ खड़े कर लेगा, मैंने तो नहीं बताया, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि आज के बाद कृपया करके ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन ना तो किसी मेडिसिन की, ना सप्लीमेंट्स की, ना इस तरह के प्रोडक्ट्स जो मील रिप्लेसमेंट्स होते हैं जैसे कि एनश्योर, पीडियाश्योर वगैरह, किसी ऐसे पर्सन से लें जो अनऑथराइज्ड है। नमस्कार।